चांद का जिंगोला, रामधारी सिंह दिनकर। बच्चे दिन ब दिन बढ़ते हैं, इसलिए उनकी पोशाक बड़ी साइज की बना ली जाती है, लेकिन चांद गढ़ता गढ़ता अमावस के दिन दिखाई नहीं देता। वो चाहता है कि उसके लिए एक जिंगोला या कुर्ता सिलवा दिया जाए। माँ पूछती है कि बेटा, किस नाप का बनाया जाए जिसे तू रोज रोज पहन सके। इस कविता में एक मजाक और व्यंग्य है, सदा अस्थिर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। पद्या इस प्रकार है। चांद का जिंगोला। हटकर बैठा चांद एक दिन, हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक जिंगोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक जिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। टिटर टिटर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। टिटर टिटर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। ना तो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, हरे सलो ने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जात टोने। कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक वंगला भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा। कभी एक वंगला भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटना बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। घटना बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की आंखों का तू दिखला ही पड़ता है। नहीं किसी की आंखों का तू दिखला ही पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज दिवाई। सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आए। सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आए।